कल का एक क्वेश्चन बना के दिखाओगे क्या? बना के दिखाओ। हाँ, कल का ये मैंने कहा था कि बहुत क्वेश्चन ऐसे होंगे, तीन को किताब खुल गया है, ठीक है, तीन क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे, आएगा क्यों नहीं, ठीक है। हाँ, तीनों मेथड से बनाना है। बना के दिखाएं, बनेगा जी। What the hell? क्या पूछ रही हैं आप? क्लास इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसी दिया है, कौन सा सीरीज है ये? कंटिन्यूअस सीरीज है, तो तीनों मेथड से बनाए ना, पहले डायरेक्ट और अस्यूम्ड मीन मेथड तो बनेगा ही, कोई भी क्वेश्चन का डायरेक्ट मेथड और अस्यूम्ड मीन मेथड बनेगा ही। और डी में चेक कर ले, अगर सारा कटने वाला हो किसी संख्या से तो स्टेप डिविजन भी निकलेगा। आंसर बोलो मोहित। चलो डायरेक्टिव मेथड का आंसर देखते हैं कौन पहले बोलता है, एंड आंसर इज डायरेक्ट मेथड का 39.5। चलो बता दिए हम आंसर, 39.5 मैच करो आंसर। दूसरा मेथड बनाए, सब दिमाग लेके मोहित बैठा है ना। देखो ये भी स्पेशल केस है, क्या है कल वाला जो था वही इंक्लूसिव सीरीज का ही, इंक्लूसिव सीरीज का। इंक्लूसिव सीरीज की पहचान क्या है कि ये है L1 और ये है L2, जहां पे L2 खत्म होता है वहीं से L1 चालू नहीं होता है, एक बढ़ के चालू होता है, तो उस तरह के सीरीज को क्या कहते हैं? इंक्लूसिव सीरीज। मीन में इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में बदलना जरूरी नहीं होता है, इसलिए हम जैसा है वैसे ही बनाते हैं, रेस्ट प्रोसीजर रिमेंस द सेम, रेस्ट प्रोसीजर रिमेंस द सेम। तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड होगा, सबसे पहले कौन सा मेथड होगा? डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला मीन बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। तो सबसे पहले एम निकालते हैं, एम का फॉर्मूला बोले L1 + L2 / 2, तो 11 + 20 / 2 कितना आ जाएगा? 31.2, 15.5। तो इसमें 10-10 का अंतर है, तो इसमें भी 10-10 का अंतर आएगा, तो 15 और 10 25 और 10 35 और 10 45 और 10 55 और 65.5। तो एम निकल गया तो एफ एम हो जाएगा, एम निकल गया तो कोई दिक्कत, एम निकालेंगे ना सबसे पहले, यहाँ एफ तो दिया फॉर्मूला, एम नहीं दिया तो एम निकालेंगे पहले, एम निकालेंगे तो एफ और एम में मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और इसमें, तो कितना आएगा वैल्यू बोलो? 31, यहाँ पे 102, 106.5, 45.5, यहाँ पे 196.5, 592.5, 592.5, यहाँ पे कर देते हैं 592.5 अपॉन कितना? 15, बोलो 39.5, 39 पॉइंट। तो दूसरा मेथड निकालो, अस्यूम्ड मीन मेथड। अस्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, क्लियर है? तो अब ये अस्यूम्ड मीन मेथड में एम का कोई एफ एम का कोई मतलब
नहीं है, लेकिन हम मिटाएंगे नहीं, छोड़ देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो डायरेक्ट मेथड निकला है। अब इसी से चाहे तो हम निकाल सकते हैं सिम मेथड, तो यहाँ नया क्या है, डी है, डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एम माइनस ए, डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर एम माइनस ए, तो एम में से ही ए को अस्यूम करते हैं, एम में से ही किसको अस्यूम किया जाए, बोलो ना, 25 को कर लो ना, घटाना बढ़ाना आसान रहेगा, 25 को कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 15.5 माइनस 25.5 कितना आएगा, माइनस 10, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, तो डी आ गया, तो एफ डी को कर देंगे, यानी कि दिस इनटू दिस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी आएगा ना, तो कितना आएगा, माइनस, हाँ बोलो, 40 आगे, हाँ 30 होगा, हाँ 20, 60, 4 × 3 = 12, 120 टोटल बोलो, आए कॉमर्स का स्टूडेंट, कंपटीशन का नहीं है सब, 210, ठीक है, तो ए कितना है, 25.5 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है, 210 है ना एफ डी का टोटल, ये क्या है 210, सिग्मा एफ डी बराबर क्या है, 210 इसकी वैल्यू, एफ एम का वैल्यू तो वो ऊपर हो गया, काम उसका खत्म, एफ एम वाला को इसमें नहीं लिखेंगे, समझ में आया ना, अभी ना कि आप लोग दूसरा मेथड लिख के क्वेश्चन लिखिएगा तो एफ एम ओ छाप लीजिएगा, ना एफ एम का काम डायरेक्ट मेथड में खत्म है, यहाँ खाली एफ एम को छोड़कर और सब छपेगा, ठीक है, क्लियर है, तो बटा कितना होगा, 15, ये कट जाएगा, तो 25 कितना जाएगा, तो देखो यही देख लेते हैं, यही देख लेते हैं डी में ही कि इसका स्टेप डिवीजन मेथड निकलेगा क्या, स्टेप डिवीजन, क्योंकि वहां क्या आता है, डी डैश, डी डैश का फॉर्मूला क्या होता है, डी बटा सी, सी का मान है कॉमन फैक्टर, डी में से देखेंगे है कॉमन फैक्टर, है ना, यानी कि स्टेप डिवीजन मेथड भी निकलेगा, स्टेप डिवीजन मेथड भी निकलेगा, तो निकाल है, तीसरा मेथड स्टेप डेविएशन, स्टेप डिवीजन मेथड, जरा फॉर्मूला बोलोगे, आए जरा फॉर्मूला बोलोगे, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इनटू सी, तो डी डैश का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे डी डैश का फॉर्मूला डी अपॉन सी, तो डी में से क्या करेंगे, किसी एक वैल्यू को क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर लेंगे डी में से ही, क्योंकि ये डी डैश बराबर फॉर्मूला होता है डी बटा सी, तो डी तो निकालने हमको आता है, डी तो निकालने आता है, डी में से ही सी को लेंगे, कौन वैल्यू इसको सारे को, सी का मतलब क्या होता है, कॉमन फैक्टर, जो सबको क्या कर दे, डिवाइड कर दे, जो सबको क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो क्या होगा, माइनस 20/10 यानी कि -2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 सेकंड, डी अपॉन सी होता है ना, तो -10/10 होगा ना, तो -1 यहाँ पे 0, 1 होगा ना, क्या 3 बोल रहा है, 4, तो अब इसके बाद एफ डी डैश हो जाएगा, यानी कि इसमें और एफ में मल्टीप्लाई करो, नहीं समझ में आ रहा है, एक बोर्ड ऐसे ही चल जाएगा, -2, 0, हाँ 4, 6, 3, 2, 6, इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर, एफ डी डैश, अब टोटल बोलो, 12 × 6 = 18, 2 × 20 = 23, सिग्मा एफ डी का वैल्यू कितना है, एफ डी डैश का 21, एफ डी डैश का वैल्यू कितना आया, 21, यहाँ पुट करेंगे, ए का वैल्यू कितना है, 25.5, अब देखो इंटर में पढ़ाते हैं ना, तो मीटा मीटा के क्वेश्चन से फिर एम निकालते हैं, फिर डी निकालते हैं, फिर डी डैश निकालते हैं, तो ग्रेजुएशन में थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा है मेरे हिसाब से, तो इसलिए हम एक ही में खींच दिए हैं, मीटा मीटा के इंटर में पढ़ाते हैं तो बताते हैं, लेकिन अब इतना तो समझ में आ रहा होगा, एक ही में बना दिए तीनों, तो बोलो ना मोहित,
आ रहा है समझ में? ओ थैंक यू। प्लस सिग्मा एफ डी डैश का वैल्यू कितना आया जी? 21। सिग्मा एफ का वैल्यू कितना आया? 15 इंटू सी, क्या क्या मतलब कॉमन फैक्टर कितना होगा? 10। तो क्या करेंगे? 5 × 15 = 10। 3 × 7 = 21। 7 × 14 वाह 25.5 प्लस 14 39.। नोट करें। आगे बढ़ा जाए। अब दूसरा स्पेशल केस देखो। ए मोहित दूसरा स्पेशल केस देखो। आपका इतना देर में दूसरा स्पेशल केस है मिड वैल्यू। दूसरा स्पेशल केस क्या है? मिड वैल्यू। देखें दूसरा स्पेशल केस है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का मतलब कि एम निकाल के दिया होगा। हेलो देखें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन लिखे बोर्ड पे, क्वेश्चन दिया हुआ है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का मतलब जो हम एम निकालते थे वो एम दिया हुआ है। अब एम यहाँ पे बोर्ड पे एम दिया हुआ है। एक बात ध्यान देते, यानी कि एफ और एम तो दिया ही हुआ है और डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या मांगता है? एफ है, तो हमको क्लास इंटरवल निकालने की जरूरत नहीं है भाई। क्लास इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसी दिया था तो एम निकालते थे तो अब एफएम लाते थे ऑलरेडी, तो और आसान कर दिया ना वो। लेकिन यही स्पेशल केस, यही स्पेशल केस जब जाएगा मीडियन में मोड में, यही मिड वैल्यू वाला, तो एक सिंपल सा तुमको झलक दिखाते हैं। मीडियन में जाओगे तो मीडियन का कॉन्टिन्यूअस सीरीज का कॉन्टिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला में सबसे पहले L1 आता है। L1 प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ अपॉन एफ इन टू आई, ये मीडियन का फॉर्मूला होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज का। सुनो आसान है, वहाँ पर मत करो। तो देखो पहले ही L1 मांग रहा है, फॉर्मूले क्या मांग रहा है? L1 मांग रहा है, यानी कि क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा जब मीडियन पढ़ेंगे तब। लेकिन मीन का तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूले होता है सिग्मा एफ एम बाई सिग्मा एफ, तो क्लास इंटरवल निकालने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स कि रेस्ट प्रोसीजर रिमेंस द सेम, रेस्ट प्रोसीजर रिमेंस द सेम, देयर इज नो एनी नीड टू फाइंड आउट क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल फाइंड आउट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, नो नीड टू फाइंड आउट क्लास इंटरवल, क्योंकि डायरेक्ट ही मांग किया रहा है एफएम, तो क्लास इंटरवल में एनर्जी वेस्ट क्यों करें? लेकिन मीडियन पढ़ेंगे तो मीडियन में कंटिन्यूअस सीरीज में L1 निकालने के लिए आएगा, तो जब यहाँ निकालने के लिए आएगा तो मीडियन में पढ़ेंगे, कहती है क्लास इंटरवल निकलेगा मिड वैल्यू से, मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल के लखान निकलेगा। समझ में आना, मीडियन में पढ़ेंगे यहाँ देयर इज नो नीड टू फाइंड आउट क्लास इंटरवल, कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एफ और एम दिया है तो एफ एम निकाल दो, डायरेक्ट मेथड सेम बन जाएगा। और अस्यूम्ड मीन मेथड भी बनाना है, अस्यूम्ड मीन मेथड भी सुने अस्यूम्ड मीन मेथड भी बनाना, तो अस्यूम्ड मीन मेथड में क्या निकालना होगा? डी निकालना होगा। डी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? एम माइनस ए। डी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? एम माइनस ए, और उसके बाद एफ डी। तो इसमें भी क्लास इंटरवल की जरूरत नहीं, जब एम दे ही दिया है तो कोनो चीज की जरूरत मीन में है ये नहीं है, और आसान है, और आसान हो गया। इसके पहले लगा था कि कुछ है टिकड़मबाज इसमें, है ना? और अगर स्टेप डिवीजन मेथड भी निकल जाए तो जरा निकाल के मोहित एक नंबर में दिखा दे तू। हाँ 15.3। हाँ सही है। अस्यूम्ड का स्टेप डिवीजन देखो निकलेगा, निकल गया। बन गया तीनों मेथड, एफ डी में मल्टीप्लाई करो ना, दिख नहीं रह गया। हाँ तो बनाइए, प्रैक्टिस का चीज है, जिसको नहीं आ रहा है ना इसका मतलब है कि प्रैक्टिस करें घर पे जाके। अब देखें आए 5-7-10 क्वेश्चन, 5-7 क्वेश्चन कंटिन्यूअस सीरीज का हो गया ना, इसी 5-7 क्वेश्चन को 3-3 मेथड से बनाइएगा, क्या नहीं बनेगा, यादें हो जाएगा।